हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ट्यून ऑटो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोमाकी MX3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी कोमाकी ने भारत में अपनी नई MX3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कोमाकी MX3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फुल चार्जिंग पर 85 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जो राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करती है। कंपनी के अनुसार बाइक की बैटरी को फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 यूनिट से ज़्यादा की बिजली की खपत नहीं होती है। इस तरह से इस बाइक को चलाने की लागत के मामले में ये ग्राहकों की जेब के हिसाब से पॉकेट फ्रेंडली होने का दावा करती है। कोमाकी MX3 इलेक्ट्रिक बाइक में कई मॉडर्न फीचर मिलते हैं। इस बाइक में एक सेल्फ डायग्नोसिस और रिपेयर स्विच, रीजनरेटिव डुअल डिस्क ब्रेकिंग, पार्किंग और रिवर्स असिस्ट, इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर और फुल कलर LED डैश जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इस बाइक में 3-स्पीड मोड मिलते हैं, जिसे एक स्विच से बदला जा सकता है। बाइक के मैकेनिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स की बात करें तो बाइक के फ्रंट हेडलैम्प और टेल लैम्प हैलोजन हैं, जबकि ब्लिंकर्स LED यूनिट है। MX3 में 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों पहियों में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। कोमाकी MX3 की भारत में शोरूम कीमत 95,000 रुपये रखी गई है। बाइक को 3 पेंट स्कीम, गार्नेट रेड, डीप ब्लू और जेट ब्लैक में पेश किया गया है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।